हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम आपके लिए इंग्लिश स्पोकन सीरीज लेके आ रखे हैं और आज हमारा डे 14। इस 90 डेज की सीरीज में हमने डे 13 तक कुड का यूज पढ़ा था और आज हमारा जो डे 14 है इसमें पढ़ेंगे हम शुड का यूज। देखो, शुड का यूज कब करते हैं हम? जब हम बात करते हैं जो भी काम हमें करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको आना चाहिए, आपको खाना पकाना चाहिए। देखो, शुड से ना हम सलाह देते हैं और आप सबको पता ही होगा, हम हर दिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पर सलाह देते रहते हैं। शुड से देखो एक ऐसी सलाह देते हैं हम, दैट डिपेंड्स, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो ले या ना ले। तो देखो, जब कभी भी आप किसी को सलाह देते हो तो आपको हमेशा शुड का यूज करना चाहिए। अब शुड के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर शुड का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मतलब जब कभी हम शुड का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और शुड का यूज क्यों कर रहे हैं हम? एडवाइस देने के लिए। देखो, एडवाइस का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी को क्या करते हैं, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं। देखो, डे टू डे लाइफ में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सलाह तो देते ही होंगे, तो वहीं पे हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? एडवाइस देने, सलाह देने। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, जब भी देखो हम कोई भी डिजीज के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमेशा आ का आर्टिकल का यूज होगा। अब यू हैव अ फीवर, यू शुड टेक रेस्ट। तुम्हें बुखार है, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। यू शुड क्लीन योर शूज योर सेल्फ, आपको अपने शूज खुद ही साफ करने चाहिए। अच्छा, साफ करने के लिए हम क्लीन बोलते हैं और अपने आप के लिए यू का, जो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? योर सेल्फ होता है। शी शुड राइड अ साइकिल, अब देखो उसे क्या करना चाहिए? साइकिल चलानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? शी शुड राइड अ साइकिल। वी शुड वाटर द प्लांट्स, हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स को वाटर देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? We should water the plants. तो हम क्या कर रहे हैं? शुड से सलाह दे रहे हैं। देखो, जब सलाह जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगी या पॉजिटिव सेंटेंस में होगी, या हम जब सिंपल सेंटेंस में बात करेंगे, या इन सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, तो वहां पे हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। पर वही देखो, जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां सबसे पहले शुड आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की ठीक बात क्या आएगा? शुड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्ट। देखो, शुड नॉट को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हो तो आप शुडन कह सकते हैं। क्या बोलना आपको इसे? शुडन। जब शुड और नॉट का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन, दोनों आपस में मिले तो ये बना हमारा शुडन। जैसे यू शुड नॉट रेज योर हैंड एट हर, देखो हाथ उठाने के लिए क्या बोलते हैं? रेज हैंड। और किसी के ऊपर तो वहां पे एट का यूज करेंगे, तो यू शुड नॉट रेज योर हैंड एट हर, मतलब तुम्हें अपना हाथ उस पर नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, यू शुडंट स्टील मनी, तुम्हें पैसे नहीं चुराने चाहिए। अब हमने क्या बोला कि शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम? शुडंट। आप देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं शुडंट को, शुड नॉट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बिना कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप बोलेंगे शुडंट बोलना आपको। और ये क्या था हमारे नेगेटिव सेंटेंस? यू शुड नॉट स्पिट हियर, आपको यहाँ पे नहीं थूकना चाहिए। कोई थूक रहा कहीं पे, आपने बोला आपको यहाँ पे नहीं थूकना चाहिए। देखो, थूकने के लिए हम स्पिट बोलते हैं और यहाँ के लिए हेयर बोलते हैं। यू शुड नॉट स्पिट हियर, यू शुड नॉट स्पिट हियर, इसका मतलब आपको यहाँ पे नहीं थूकना चाहिए। यू शुडंट फाइट विद हर, आपको उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। देखो, लड़ने के लिए क्या बोलते हैं? फाइट। और उसके साथ के लिए, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? हर। तो आपको बोलना यू शुडंट फाइट विद हर, मतलब आपको उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो शुड हमारा पहले आ जाता है। जैसे शुड आई गो देयर, अब आप किसी से सजेशन ले रहे, किसी से एडवाइस ले रहे, भाई क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा शुड आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अच्छा, शुड वी गो टू बाय दिस ड्रेस, तो क्या हमें इस ड्रेस को खरीदने जाना चाहिए? तो अब जब भी आप क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको इस तरीके से शुड का यूज करना होगा। तो आज की इस क्लास में हमने शुड का यूज पढ़ा है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर शुड का और भी अच्छी तरीके से जानना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
आप सलाह दे सकते हो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, जो भी आपके आस पड़ोस में लगते हैं, अपने पेरेंट्स को, जिससे कि आपकी स्पीकिंग और भी इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, तो आपने कहा कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड फोकस ऑन स्टडी। कोई देर में आ रहा, आपने बोला आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। कोई क्या कर रहा है, कहीं पे गंदगी कर रहा है, आपने बोला आपको यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड कीप हियर हाइजीन। तो इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं। और देखो, जब भी आपको नेगेटिव में देना हो तो शुड नॉट लगा देना। आप अपने लिए पूछ रहे किसी से कोई सलाह, तो वहां पे शुड का यूज कर दो। जैसे पहले शुड आ जाएगा, जैसे मैंने बोला क्या मुझे आगे की ओर पढ़ना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं शुड आई स्टडी फर्दर। मैंने बोला क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं शुड आई टीच। क्या हमें खाना पकाना चाहिए, शुड वी कुक फूड। तो इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं। अगर आपको शुड में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जुड़िए हमारे साथ स्टडी अप पे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिस किसी को भी शुड में प्रॉब्लम है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।